नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम सभा में। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो आपका रीजनिंग से संबंधित कुछ प्रश्न एग्ज़ाम में आते हैं, अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका रीजनिंग जो है काफ़ी महत्वपूर्ण भाग है, तो इस तरह के परीक्षाओं के लिए कई तरह के प्रश्न बनते हैं जो काफ़ी ट्रिकी होते हैं, और उनका हल जो है काफ़ी मतलब ईजी होता है, लेकिन अगर आप उनको समझ नहीं पाते हैं तो आप हल नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए ये वीडियो हम लेके आए हैं ताकि आप इस तरह के प्रश्नों को हल करेंगे और हम भी हल करेंगे और आपको दिखाएंगे कि आप कैसे उसको आसानी से हल कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि ये जो प्रश्न हैं इनका स्कोप क्या है, मतलब ये किन किन क्षेत्रों में आ सकते हैं, तो ये आपको ध्यान देना है। और चलिए देखते हैं कि इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, और इसके आने वाले वीडियोस भी जो होंगे उसमें भी हम कवर करेंगे कई सारे प्रश्नों को। तो बने रहिएगा हमारे साथ चैनल में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो आपके रीजनिंग में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं अंग्रेजी वर्णमाला संबंधित, तो कहीं पे भी आपको पेपर में छोटा सा कोने में डाल देगा जिसमें आपको लिखा रहेगा कि ये अक्षर है, ये अक्षर है, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, तो बताइए ये कहाँ पे हुआ। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं, तो चलिए देखते हैं फिर। तो अगर आपको अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित प्रश्न हल करने हैं तो पहले तो आपको ए बी सी डी का ज्ञान होना चाहिए। तो जिन लोगों को नहीं आती है भाई, वो देख लो कैसे ए बी सी डी होती है, एक बार दिखा देता हूँ मैं। तो इसको रट लो अगर नहीं आता, अगर आता है तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे ए से जेड तक आप लिखा हुआ देख सकते हैं, और ए आपका जो है पहला अक्षर है और लास्ट है जेड। तो भाई ए जो है आपका पहला अक्षर है, तो अगर आप ध्यान देंगे तो अगर मैं ए बी सी डी को एक ही लाइन में लिखता तो ए से जेड तक जाने में हमको बाएं से दाएं जाना पड़ेगा। तो ए आपका सबसे बाईं तरफ है और जेड आपका सबसे दाहिनी तरफ है अगर ये एक लाइन में होता। तो आपका पहला अक्षर कौन सा है? ए है। लास्ट अक्षर कौन सा है? जेड है। तो अगर आपको ए बी सी डी अच्छे से आती है तो आपको पता होगा कि आपके अंग्रेजी वर्णमाला में 26 यानी कि 26 अक्षर होते हैं, और ए आपका सबसे बाईं तरफ होता है और जेड आपका सबसे दाईं तरफ होता है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखेंगे और प्रश्नों को अब हम हल करना स्टार्ट करेंगे। तो प्रश्न पढ़ते हैं। तो इस तरह के जब भी प्रश्न आए तो आप उनको एक दो बार अच्छे से पढ़िए। एक दो बार अच्छे से अगर आप पढ़ेंगे तो आप उनको अच्छे तरीके से हल कर पाएंगे। अगर आपने पढ़ने में कम टाइम लगाया और हल करने में ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं तो वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आप एक बार प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे फिर हल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएँ से 11वें अक्षर के दाएँ 8वां अक्षर कौन सा है? तो ये प्रश्न जो है यहीं पे खेल गया है। देखिए इसने क्या लिखा है कि बाएं से 11वां अक्षर कौन सा होगा। तो ध्यान दीजिए, बाएं से 11वां अक्षर मतलब बात कर रहा है कि ए से स्टार्ट होगा और ए के बाद 11वें अक्षर तक जाना है अपने को, और उसके बाद फिर जो अक्षर हमको मिलेगा उसके दाएं 8वां अक्षर कौन सा है। तो दो एक ही प्रश्न में दो चीज़ें बताई गई हैं आपको। चलिए इसको ध्यान में रखते हैं और चलते हैं ए बी सी डी वाले बोर्ड पर, और फिर अपने ए बी सी डी के ज्ञान को देखते हैं कि हम कितना जानते हैं। तो बाएं से 11वां अक्षर कौन सा होगा बताइए आप। तो ए अपना पहला अक्षर है, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। जिन लोगों को गिनती आती है वो समझ गए होंगे कि ये आपका 11वां अक्षर के होगा। तो हमने आधा प्रश्न हल कर लिया है। उसके बाद पूछा है कि आपका जो ये आपका ये 11वां अक्षर है दाईं तरफ से बाईं तरफ से, उसके दाहिने तरफ जो 8वां अक्षर है वो बताना है आपको। तो चलिए भाई इसके दाहिनी तरफ चलते हैं इधर, क्योंकि ए बी सी डी आपका बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है तो दाहिना तरफ इधर ही होगा। तो के को छोड़ देते हैं और इसकी तरफ दाहिनी तरफ 11वां 8वां अक्षर देखते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां। तो आपको दिखा हुआ कि जो आपका एस है, जो आपका एस है स्टूडेंट वाला एस जो आप हैं, तो वो आपका जो है इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो काफ़ी आसानी से हमने हल निकाला। तो क्या उत्तर होगा आपका? इसका उत्तर होगा एस। तो चलिए देख लेते हैं एफ किधर है, कौन से ऑप्शन में है। तो इधर चलते हैं, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका सही है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि आपका प्रश्न कैसे हल होगा। तो अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ये भी सेम ही है, अगर आप पहला प्रश्न समझ गए होंगे तो ये भी काफ़ी आसानी है। इसमें क्या कहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएँ से 21वां अक्षर, तो पहले 11वां अक्षर था, अब 21वां बताना है कौन सा है। गिनती आती है आप लोगों को, ये आप बता सकते हैं। और फिर पूछा है कि उसके बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो पिछले प्रश्न में दाहिने गए थे, सही
सेकंड स्टेप में, लेकिन आप बाएं जाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं। तो देखिए एक ऐसा अक्षर कौन सा होगा, तो जो लोग थोड़े कम दिमाग वाले होंगे क्या करेंगे कि वो यहाँ से 21 तक गिनना स्टार्ट होंगे करेंगे, लेकिन जो ज़्यादा होशियार होंगे वो पीछे से 5 घटा के जो बचेगा उसको 21 मान लेंगे। तो अभी के लिए हम फ़िलहाल कमज़ोर बनते हैं और पूरा गिन लेते हैं, तो होशियारी नहीं करेंगे अभी। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। तो ये आपका यू जो है 21वां अक्षर है। होशियार लोग पीछे से 5 हटा देते और यू निकाल लेते, ठीक है। तो अभी के लिए आपका यू जो है 21वां अक्षर है। अब प्रश्न में था कि इसके आपके बाएं तरफ 7वां अक्षर कौन सा होगा, तो पिछली बार हम दाएं गए थे, इस बार बाएं जाएंगे, तो बाएं मतलब पीछे। चलिए चलते हैं पीछे। तो आपका 7वां अक्षर कौन सा होगा, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, मिला क्या? एन। तो आपका एन जो है वो उत्तर होगा इसका। तो है ना काफ़ी आसान प्रश्न। अगर आप ए बी सी डी जानते हैं तो काफ़ी आसान है, नहीं जानते हैं तो सीख लीजिए, आपको काफ़ी मदद होगी। तो चलिए देखते हैं कौन सा इसका उत्तर है। तो चौथा विकल्प जो है ध्यान से देखिए एन है, तो चौथा विकल्प क्या है आपका, सही है, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न घुमा दिया है, पिछली बार दाएं तरफ से चल रहे थे, अब हम चलेंगे बाएं तरफ से। पिछली बार हम बाएं तरफ से गए थे, इस बार दाएं तरफ से स्टार्ट करेंगे। तो दाया मतलब नीचे से, मतलब पीछे से, जेड से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए चलते हैं, एक बार देखते हैं बोर्ड पे जहाँ पे ए बी सी डी लिखी हुई है। तो देख लीजिए यहाँ पे आप, तो ये आपका 26वां अक्षर है जो आपका सबसे दाहिनी तरफ है। तो इधर से हमको किधर जाना है, इधर से हमको जाना है बाईं तरफ, क्योंकि हम आगे तो जा नहीं सकते, यहीं पे ख़त्म हो जा रहा है। चलिए पीछे चलते हैं फिर। तो यहाँ से आपको 7वें अक्षर जाना है। तो ये आपका पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और ये 7वां। तो टी आपका क्या है, टी आपका 7वां अक्षर है, ठीक है। उसके बाद क्या कहा है कि आपको इसके बाएं तरफ 9वां अक्षर कौन सा होगा। तो इसके बाएं मतलब पीछे की ओर, ध्यान रखिए दाएं इधर होता है, बाएं जिधर मैं तीर बनाया हूँ उधर होता है। तो इधर से 9वां अक्षर कौन सा होगा, तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां। ध्यान रखेंगे कि इसको छोड़ देना है जब भी, क्योंकि इसके तरफ इसके 9वां अक्षर पूछ रहे हैं, तो इसको छोड़ के गिनेंगे। तो आपका सही उत्तर क्या आएगा, तो आपका सही उत्तर आएगा के। तो काफ़ी आसान प्रश्न ये भी है, बस आपको ध्यान रखना है दायां किधर है बायां किधर है। दायां बायां अगर आप कर लेंगे अच्छे से तो आप जो है इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो भाई तीसरे प्रश्न का उत्तर क्या हुआ, हमारा तीसरा हुआ, तीसरे का उत्तर हुआ के। तो है ना काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रश्न ये। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ये रहा आपका चौथा प्रश्न, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 17वें अक्षर के दाएं 6वां अक्षर कौन सा है। इस बार दोनों बार दाएं तरफ ही जाना है। तो चलिए इसको जल्दी से हल कर लेते हैं, अगर आपने बाकी 3 हल किए होंगे तो आप वीडियो को पॉज करके इसको हल करेंगे और आपको उत्तर मिल गया होगा अभी तक। चलिए देख लेते हैं जल्दी जल्दी कैसे होगा। तो दाएं से 17वां अक्षर पूछा है, तो दाएं मतलब इधर, यहाँ से 17वां जानना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 के बाद क्या आता है भाई, 14, 15, 13 के बाद मुझे इंग्लिश में नहीं आता गिनती, इसलिए मैं 14 से स्टार्ट कर रहा हूँ, 14, 15। तो कहाँ तक जाना है भाई, हमको 17 तक जाना है, 16, 17। तो ये आपका जे जो हो गया वो आपका जो है 17 लेटर है, 17वां जो है अक्षर है दाईं तरफ से, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसके दाईं तरफ जाना है हमको, तो अभी तक दाईं तरफ से चल रहे थे, अब इसके दाईं तरफ चलेंगे। तो इसके दाईं तरफ चलने के लिए क्या करेंगे, हम 6वां अक्षर जाना है दाईं तरफ, जब भी बोलूँ मैं तो आगे की तरफ जा रहे हैं। तो 6वां अक्षर कौन सा होगा, के एल एम एन एन ओ पी, पी आपका 6वां अक्षर है।
काफ़ी इसमें वो खिचड़ी हो गई है, लेकिन आप समझ लीजिए ये बोर्ड थोड़ा मतलब कॉम्प्लेक्स हो गया है। चलिए ठीक है, आप उत्तर मिला आपको ना, तो इसका उत्तर क्या होगा, पी। तो कौन सा ऑप्शन सही है, पहला। ठीक है, तो इसका पहला जो है सही है। तो इस तरह के चार प्रश्न हम देखे, चार वेरिएशन में। और अगर आपको ये इसी तरह के और वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कुछ डाउट वाउट अगर अगर आपको है तो भी आप पूछ सकते हैं। और इसी तरह के और वीडियोस को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल एग्जाम सभा को। सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगता है तो। धन्यवाद।